क्या ट्रांसफॉर्मर्स और जीआईजू का क्रॉसओवर होने वाला है? कौन खरीद रहा है एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स टावर? हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में लाइव एक्शन कैरेक्टर्स को कौन कौन प्ले करने वाला है? और फाइनली क्या लाइव एक्शन में भी माइल्स मोरालेस की एक मूवी बनने वाली है? इस हफ्ते ऐसे ही कई सारे गजब के अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं, जिन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इस हफ्ते की सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स की बातें कर लेते हैं। जहां पर पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये है कि जॉन विक 5 लॉयंस गेट ने एक्चुअली अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है। लॉयंस गेट के इस साल के Q4 के अर्निंग कॉल्स के दौरान चेयरमैन जो ड्रेक ने इसके पांचवें पार्ट की कंफर्मेशन कर दी है और उनके हिसाब से जॉन विक 5 अपनी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आ गई है। इसके साथ साथ कई और रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा कर रही हैं कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का भी एक क्रॉसओवर प्रोजेक्ट लाइन में है, जहाँ पर इस बात की खास कंफर्मेशन माय टाइम टू शाइन वन और दी है। वेल, जैसा कि जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स दोनों ही हैसब्रो के अंदर आते हैं, हैसब्रो के अंदर ये प्रोजेक्ट बहुत ही लंबे समय से रूमर्ड था, तो हो सकता है इस बात में कोई न कोई सच्चाई जरूर हो। इसके अलावा अपडेट्स की खबरों में एक और अपडेट है। यहाँ पर जेम्स कैमरन टर्मिनेटर की फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं, बट इस बार वो थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन, उसके इस्तेमाल और उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और उसी के इस्तेमाल से वो टर्मिनेटर के अंदर स्काईनेट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मिशन इम्पॉसिबल 7 यानी डेड रेकनिंग पार्ट 1 का रन टाइम रिवील किया गया है, जहां पर ये एक्चुअली 2 आवर्स 36 मिनट्स का होने वाला है, जो अपेरेंटली मिशन इम्पॉसिबल की फ्रेंचाइजी का सबसे लंबा रन टाइम है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है जेम्स गन के अपने सुपरमैन लेगेसी मूवी से, जहां पर इनसाइडर डैनियल आरपीके के हिसाब से इस मूवी के अंदर हमें मेन विलन के रूप में ब्रेनियाक दिखेगा, जिसके रोल को पॉसिबली यहां पर निकोलस हॉल्ट ही प्ले कर सकते हैं, और उन्होंने इसी रोल के लिए इस मूवी के अंदर ऑडिशन दिया है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी हुई कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर वेडनेसडे सीरीज के अंदर टायर गैपिन का रोल प्ले करने वाले हंटर डुहान डेड डेविल सीरीज के अंदर एक रोल के लिए कास्ट किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर सैम राइमी को यहां पर शायद आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए डायरेक्टर के रूप में शायद चुने जाने के लिए कंसीडर किया जा रहा है। और लास्टली यहां पर शायद फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फाइनलाइज कर लिया गया है कि प्रीवियसली कंसीडर्ड एडम ड्राइवर एज रीड रिचर्ड्स, मार्गो रॉबी एज सू स्ट्रॉम, पॉल मेस्केल एज जॉनी स्टॉर्म और डेविड डिग्स एज बेन ग्रिम्स हो सकते हैं। ऑल्सो, अगर आप ओरिजिनल गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज को मिस कर रहे हैं तो शायद आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर HBO की ड्रामा चीफ फ्रांसेस्का ऑर्सी ने जॉन स्नो के अपने स्पिन ऑफ के प्रोग्रेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब बात यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि राइटर स्ट्राइक्स के बीच में ये चीज कहाँ तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 90s की X-Men द एनिमेटेड सीरीज का सीजन 7, जो एक्चुअली डिज्नी प्लस के अंदर बन रही थी, उसका नया रिलीज डेट अनाउंस किया गया है और अब ये जनवरी 3, 2024 को रिलीज होगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी आखिर एवेंजर्स की बिल्डिंग को खरीदा किसने था, उसका कंफर्मेशन शायद अब मिल सकता है, जहां पर रूमर्स के हिसाब से इसके ओनर को किसी और को नहीं बल्कि मफिस्टो को दिखाया जाएगा, जिसका रोल यहां पर सशा बैरन कोहेन आर्मर वॉर्स मूवी के अंदर प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर से डायरेक्टर एंड्री मशेटी से कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जहां पर उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो फ्लैश को नए DC सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एज्रा मिलर को ही प्ले करते हुए देखना चाहेंगे, और जाहिर सी बात है यहां पर एंड्री मशेटी उनके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। साथ ही साथ जब उनसे आने वाले टाइम में जेम्स गन की बैटमैन मूवी यानी ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी को डायरेक्ट करने की बात की गई, तब उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि अभी वो फिलहाल इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो आई गेस फ्लैश मूवी के अंदर बैटमैन को हैंडल करने के बाद ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। बाय द वे, फ्लैश मूवी से याद आया, यहाँ पर फ्लैश मूवी के अंदर सुपरगर्ल का रोल प्ले करने वाली शाशा कैरी ने इस बात को कंफर्म किया है कि हेनरी कैविल ने एक्चुअली इस मूवी को देख लिया है और उन्हें ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई है। और जैसा कि कुछ दिन पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का एक्चुअली एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन बनाया जा रहा है, उसके लीड यानी हिकअप और एस्टेड के लिए अपेरेंटली कास्टिंग हो चुकी है, जहां पर हिकअप का रोल मेसन थॉमस प्ले करेंगे, वहीं पर एस्टेड के रोल के लिए निको पार्कर को सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक्चुअली रिलीज हो चुकी है,
जहां पर रिसेंटली इस मूवी के फिल्म मेकर्स के द्वारा इस मूवी के अंदर 280 स्पाइडरमैन के होने को कंफर्म किया गया है। साथ ही साथ यहां पर रिसेंटली सोनी के अंदर स्पाइडरमैन से जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव्स जैसे एमी पास्कल और प्रोड्यूसर एवी एराड ने स्पाइडरमैन के आने वाले फ्यूचर को भी कंफर्म किया है, जहां पर उन्होंने हिंट दिया है एक लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस की मूवी का और तो और एक स्पाइडर वुमन मूवी का। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 का भी अपडेट दिया, जहां पर उनके हिसाब से इस पर काम तो चल रहा है बट राइटर स्ट्राइक के चलते ये भी होल्ड पर है और इस मूवी के डेवलपमेंट में देरी हो रही है। सो गाइज, और ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।